हेलो वेलकम बैक टू आर चैनल एके बज और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज मैं हूं अरस्तान खान टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा उसको और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतम रमजान कैसे स्पीड मारी है मैंने असल हां अच्छा की है अच्छा अच्छा की

अच्छा मुझे ना पार्टनर के गाने पसंद ही नहीं कोई भी नहीं मुझे पार्टनर फिल्म भी नहीं, नहीं पसंद उक्का नहीं भाती मेरे अबू को बड़ी फेवरेट थी मैं क्या करूं इस मामले में घर वालों की टाइप की मूवी है ना मुझे नहीं पसंद मुझे तो क्रिंज आता है गोविंदे के सलमान खान की जोड़ी को मुझे देख उसमें गाना था ना वो तो मुझे बहुत ही ना पसंद है माला माला <laughs> वो भी एक है इस इसी फिल्म का गाना है ना कतरीना एक गाना पसंद है मुझे कौन सा एक गाना पसंद है सोनू निगम वाला मरिया मरिया वो अच्छा वो सेनोरिटा मरिया ये हम पार्टनर क्यों डिस्कस कर रहे हैं बाय द वे दुपट्टे तो से एक बात निकली कहां गए कहां कोई पता नहीं आज आप जा रहे हैं कहीं यस आप छुट्टी में जा रहे हैं

अभी वो सिंगर हाँ, है गे, ना गे, गे, गे। तो उनका विवाह है ठीक है कि उर्दू हिंदी ये कुछ, तुमने उर्दू को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लश्करी जबान समझ लिया है <laughs> मैंने मैंने सबको <laughs> मिक्सर कर दिया इंग्लिश हाँ, का पार्ट बना दिया हाँ. तो उनकी शादी है तो उस पर मैंने जाना है तो बस मैं आज आज का भी किस्सा बताऊं कि मैंने इलाम कहा कि एक बजे सुबह कर लूंगा शूट वगैरह हम तो तीन बजे में फ्री होकर घर चला जाऊंगा

आना ही आना है, ना ही ना आना है आना और मेरे ना बड़े ऐसे आते हैं हाँ। तुम अभी तीन चार साल हाँ। तुम्हें मेरे साथ हाँ। हो गए और तुमने इस चीज से ऐसे ही होता है हंड्रेड हाँ। परसेंट तुम हाँ। जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं ना के है, तो फिर वीके? दुख आते हैं हाँ सो आई वाज वेरी हैप्पी ऑन वीकेंड बट सडनली लाइक चलो कोई नहीं हाँ और क्या था मैं कुछ बोलने लगा था मुझे भूल गया कुछ हाँ, कुछ बोल रहे थे, कुछ अच्छा बोल रहे रहे थे थे अच्छा हो गया ना हूँ हाँ. uh, हाँ. हाँ, तो, yes, yes, yes. तो कल मैंने थोड़ी शॉपिंग भी की शादी के लिए उसकी वैसे डिस्कशन मुझे आपने लाइव नहीं सुना तो मैं और मेरा एक फ्रेंड गए हम लोग पिनोरामा गए आपको पता है ना पिनोरामा एक लाहौर में मार्केट है मुझे भी नहीं पसंद है लेकिन लेकिन तुम गए क्यों

पता नहीं हालात होते अल्लाह करे आजकल मेरी ललो बहुत चलती है हाँ। इश्क मुर्शिद। हाँ। कदम हाँ। तुम्हारे हुस्न के नाम मैं जुलम गुम खुशबू में बसे खत जिंदो वर्किंग वेमेन ठीक है तो ये दस गिन बहुत सारे मुझे ना ऐसे लगते हैं मुझे भूल गए

जी मोन ग्यारहवीं और बारहवीं सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड घूम गई देखी जब जी. मैंने मैंने कहा वाओ यस मुझे भी अच्छा लगा कि यार ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि छोटे एपिसोड्स में इस तरह के यार आप ना सस्पेंस या थ्रिलर को 28 किस्तों में नहीं ले नहीं लेके ले जा के के सकते थे। 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 तीस बत्तीस ये जैसे ये दिल में रहा था इतना कोई लोगों ने एंजॉय नहीं किया था वो बस कास्ट बड़ी थी सजल थी और भी मेरे दिल से तो उसमें वो जो था क्या उसने मुझे हुक रखा no. नहीं, नहीं। हुक इस तरह के सस्पेंस और थ्रिलर के लिए आपको बस थोड़े से टाइम ही करना होता है मतलब आपका दिमाग फिर इंसानी दिमाग चलता जाता है और फिर आप बहुत सारी चीजें सोच 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 के

इन आखिरी दो एपिसोड में मेरा दिल जीत लिया हमारे पाकिस्तान के आला पाए के जो जो एक्टर है ना इधर खड़े हैं वो, वो है, इस एनर्जी में वो इस तरह से नहीं कर सकते यार पेस है। पेस है अब देखो देखो आप उस सीन में देखो जब ये माया के साथ सारी कन्फ्रंटेशन हो रही होती है कि तुम्हारे बाप ने मेरी जो है वो ये करवाया वो करवाया वो एक पेस है वो एकदर अनदर लेवल ऑफ एनर्जी है फिर जब अपने बाप से मिल के आने के बाद गाड़ी में रोना है अनदर लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ठीक है फिर वहां पे जाके हमीद एनर्जी तो वो इस तरह से इन सारे इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट करना एक नए बंदे के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुँ. तो मैं तो कहता हूँ कि भाई डर जो सारे सारे जितने भी हमारी इंडस्ट्री के हीरो हैं और इसमें बहुत बड़ा हाथ मुझे घरों तक जाना

तो मैं ऐसा तो ऑलरेडी देखी हाँ, हुई थी बिल्कुल हाँ, तो हाँ, हमारे आज कल डेब्यू टेटाग्राम पेट वो उसका ये भी होता है ठीक है तो लेकिन नए डेब्यू टे इस तरह के बहुत कम देखे तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो डायरेक्टर कहा जाता है उसने इसकी कास्टिंग जो है

और सारे इमोशंस के नाम लिखना है हैप्पीनेस है गम है दुख है इतने खूबसूरती से और साथ जो विजुअल चल रहे होते हैं उसको अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो सारा बड़ा और एंड के ऊपर जो मोनोलॉग चलता है वो भी बड़ा हसीन मोनोलॉग था आ, वो भी बड़ा मज़े का था कि लाइफ के सारे फेजेस बताए जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड किया जाता है कि मैं माया मलिक ये वादा करती हूँ कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगी आई रियली लव्ड इट एंड जो भी हमारे अंदर आ, आ, ड्रामे के प्लॉट के अंदर हुआ है

के जो माया का करेक्टर है वो अब जो है वो सुहेल साहब के साथ बैठ के चेस खेल रही है तो उन्होंने दिखाया कि चाहे वो मर गया लेकिन वो एक तरह से बहू ना बन सकी लेकिन उनके साथ उन, उनका मतलब एक है एक रिलेशनशिप उस उस हवाले से कि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं लेकिन आ, इसका भी वो बड़ा प्यारा एक शुरू में हाँ। जब कहती है मोहब्बत धोखा हाँ, दोस्ती हाँ। तो इट्स नॉट कि आपको एक पॉइंट नॉटकोट ही जाना है

लेकिन उसने भी अच्छा किया जब वो पैरालाइज हो जाता है और वो उसके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन आते हैं हम लग रहा होता है कि ये बेबसी में जी. कर रहा है वो बड़ा अच्छा था फिर काशिफ हुसैन ने भी अच्छा किया वो उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया काशिफ का जो है जिक्र करना भूल क्यों क्योंकि हमने जी। उनको शनास में भी तकरीबन इसी तक करेक्टर में देखा था जब उनको टॉर्चर करता है शाहिद और उसकी वो जो चीखे और वो एक्सप्रेशन वो भी बड़े कमाल के तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी है स्टोरी को अगर देखा जाए स्टोरी बड़े अच्छे तरीके से इंक्लूड हुई है मुझे बड़ा मैं बड़ा के साथ मतलब एंड इतना खूबसूरत था और यही होना चाहिए

लेकिन उसने इंसाफ उसने उस अपने हाथों में लिया आ, हा, तो फिर कर दिया। उसका फिर उसका तरह से हमें मुबारकबाद देनी चाहिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद देनी चाहिए ना सिर्फ कहानी एक्टिंग ये बहुत सारी चीजें जो हमारा करंट ड्रामा जहाँ पे ला कर रहा लेकिन इसको अगर आप बहुत क्लोजली देखो तो आपको लाइटिंग आपको एडिटिंग बैकग्राउंड स्कोर विजुअल्स विजुअल्स कैमरा का वर्क आपने आउटडोर करना आउटडोर करना इंडोर करना है सब चीजों को प्रॉपरली और वो आपको एक जिद्दत नजर आती है इसे, इसे, जो अभी हमारा करंट ड्रामा इस जिद्दत को लैक कर वो, बहुत है, वो है, तो बहुत पीछे है है ठीक तो उस हिसाब से अगर देखे तो गोम इज लाइक वन ऑफ दूंगा गोम एज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा बिल्कुल यार बहुत मैं कहता हूँ कि ये ड्रामा इजीली नेटफ्लिक्स पे आ सकता था जी आ सकता था। थोड़ा जाहिर है अब नेटफ्लिक्स वाले बजट नहीं, नहीं, नहीं है हमारे पास नेटफ्लिक्स वाले बजट नहीं है इतने में होते तो हुए आप कितना मजेदार इसको रंग हा? मसाले लगने थे लग रही है कितना बड़ा बन जाता है और ओटीटी हो जाता थोड़ा सा लेकिन कहानी और

तो ये ड्रामा लिखा गया है आमना मुफ्ती के थ्रू एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय साकिब ख़ान और इसकी कास्ट में शामिल हैं किंजा हाशमी सिद्रा न्याजी अदनाथ सिद्दीकी नादिया जमील सलीम मिराज राशिद फरूकी जीक्यू एंड वेरियस अदर नाजली नसर तो एंड वेरियस अदर तो कहानी एक शायर की है जो कि एक बड़ा एक सक्सेसफुल शायर है और उसकी एक वाइफ है नादिया जमील प्ले कर रही हैं जो जो सर्जन है और दोनों की कोई वो नहीं है एक बंदा जो है वो बहुत ही पोइटिक है और एक बंदा बहुत प्रैक्टिकल है एक ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला है एक जो है हकीकत की दुनिया में रहने वाला है और इनके बच्चे भी हैं और ये मतलब काफ़ी साल इनकी शादी को हो चुके हैं और जो हमारे राइटर हैं वो थोड़ी सी दिल फेंक भी हैं वो राइटर सॉरी कह रहा हूँ जो हमारे पोइट है, है वो दिल फेंक भी हैं और वो सारा कुछ है कि ए, दूसरे तरफ तो हमारे पास एक फैमिली है जहाँ पे हमारे पास लड़की है चौक चुलबुली हुसना नाम है उनका खिजा हाशमी जो कि कॉलेज में स्टूडेंट हैं कॉलेज में हो रहा है मुशायरा और मुशायरे के लिए उन्होंने इनवाइट करना है आ, हमारे जो है पोइट को तो 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 और अगर हम जो है वो अलमरा राहुल में जाए मतलब जो जहाँ पे हाँ ये हाँ सारा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास है सिदरा न्याजी जो इनकी कुलीग है और वो भी शायरा है और क्या क्या है ये समझ नहीं आई पता कुलग समय शायरा ही होंगी ना तो ये कुलीग थोड़े होते हैं चलो वैसे साथ ही रहते हैं

बढ़त परफेक्ट सॉरी बड़ा मजे का बड़ा मजे का लगा मुझे आ, और मुझे बड़ा बड़ी खुशी हुई डायरेक्टर कौन है साकिब खान खान ओके 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 तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम टीवी ने फाइनली एक कमबैक किया आई एम वेरी हैप्पी अभी एक हफ्ते में ही कमबैक कर लिया उन्होंने हाँ, <laughs> <laughs> उन्होंने कहा कि यही है हम हां हाँ, <laughs> वो हम नहीं है सुल्म और जो है ना राहजनु हम नहीं है हम ये खुशबू में खस हसे, खसे, बस खुशबू में खसे बस। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं मैं बताता हूँ इस ड्रामे के बारे में ये वो, वो, एक, वो फील है हम 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 वो जो एक, एक हम जिस तरह से एक घर दिखाते हैं जिस तरह से एक पढ़ी लिखी फैमिली भी दिखाते हैं और पढ़ी लिखी फैमिली के उनके ज्यादा इश्यूज होते हैं और जो जो थोड़ी कम अंडर प्रिविलेज हाँ. कहानी है उनके अंडर प्रिविलेज जो घर हैं, उनको फिर वो बड़ा सेटल्टी में दिखाते हैं है, तो ये सेटल्टी अलग है, अगर आप माँ का करेक्टर देखें लड़की की माँ का लड़की का खुद का देखें वो इतने सेटल नहीं, नहीं है

गाड़ी और मुझे वो इतना अच्छा लगा और इतना खूबसूरत लगा कि वो ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ भी भी चल रहा है 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 लेकिन बच्चों की परवरिश अच्छी उसका उसका ये या तो हाँ। था या तो था इन्होंने द, आ, राइटर ने लिखा था या नादिया ने इसको खुद ही एड किया होगा बट देख लिटल छोटा मुझे तो थोड़ा मुझे इमोशनल मुझे ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं मतलब मैं क्या करूं हाँ। मेरा ये, ये है ये छोटी-छोटी डिटेल्स छोटी-छोटी डिटेल्स और एक और तारीफ जो सेकंड मेरी सबसे हाँ। बड़ी बनती है उम क्या नाम है किनजा किनजा हाशमी ओह हाँ। माय हाँ। गॉड oh हाँ। मतलब लाइक अगर आप उसके प्रीवियस हुक देखें एंड मेरे बन जाओ देखें वहम तो वो एक हेयर स्टाइल एक पैटर्न एक टेंपलेट और मोनोटोन मोनोटोन सा लेकिन एटलीस्ट इधर आपको मेकअप भी चेंज हाँ। लग रहा है बाल भी थोड़े आपने सही कहा था और तो बॉडी लैंग्वेज पे काम बॉडी लैंग्वेज पे काम है पिच अभी हाँ। भी वही है वो फिर उस पर क्या कर सकती है लेकिन उन्होंने मेहनत की है मेहनत यहाँ पे नजर आ रही है उनकी हाँ काफी ये काफी, है कि वो कुछ नया लेके आ रही है अब थोड़ा सा ना वो एक्टिंग की जो पिच है या एक्टिंग का जो टेम्पलेट है उसमें भी थोड़ी थोड़ा सी, सक, अगर सक मेरा, आ जाएगी मेरा ख्याल है आएगी इस करेक्टर में देखो अगर आ गई होती ना ये सब चीजें तो आज किंजा हाशमी सजल अली और उसके बराबर तक क्यों नहीं पहुंच रही तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे लैक कर ये चीजें हैं जिसमें वो लैक ठीक है ठीक है समझ आ गई मुझे समझ बाकी अदरवाइज सभी चीजें प्यारी है वो माशाल्लाह मतलब स्क्रीन प्रेजेंस है एक्सप्रेशंस अच्छे हैं आपके एक्सप्रेशन अच्छे हैं आप एक्टिंग अच्छी हा हाँ, करते हैं रोती भी अच्छी भी हा हाँ, लगती हाँ, है तो क्या चीजें आप लैक वो आपके मोनोटोन थोड़ा सा गए आप मतलब आपको हीरो होने के लिए एज मैटर नहीं करती अपने हाँ, इस कैरेक्टर में बता दिया बता दिया बता दिया लिटरली यार यस yes. ऐसा हीरोइज्म है उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी में कि जब होते है, वो होते हैं वो छा जाते हैं और बड़ा अनप्लेसेंट सा करैक्टर हाँ, है हाँ, बड़ा बदतमीज हाँ, सा करैक्टर हाँ, है हाँ, जिस तरह वो अपनी बीवी को ट्रीट हाँ, करता हाँ, है बट हाँ, हीरो है हां तुम्हारी गाड़ी मैं लेकर जाऊं मतलब वो स्क्रीन प्रेजेंस होती है ना एक बंदे की

उनकी केमिस्ट्री देख के आपको मजा आता है बड़ा खूबसूरत था और एपिसोड का मुझे बड़ा मजा आया फुफो को एपिसोड में कहा है नहीं मैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया मुझे बड़ा पसंद आया वो और जो हमारा के पास गया और वो सारा सीक्वेंस मुझे मुझे बहुत पसंद आया एंड द लगा था कि जो लड़का प्ले कर रहा है वो थोड़ा अंडर कर रहा है हाँ. अपने करेक्टर को लेकिन सारे बड़ा अच्छा कर रहे हैं सारे हाँ. फारूक रहीन को पता है कि मैंने किससे कब कैसे काम निकलवाना yeah. है सु कैना को में जो फटी है वो आई रियलीक्टर

अब दो लाइनों में बता सकते हो एक मोंगी हाँ, सी लड़की हाँ, है जिसकी शादी कैंसिल हुई हाँ, वो एक मोंगी के लड़के के साथ उसकी हाँ, शादी हो गई हाँ, है जहाँ उसका अब्बू से हरास करता है और वो इसका सुतेला बाप है और वो यही कर रहा है ये तीन लाइनों की ये स्टोरी हाँ, है हाँ। लेकिन जो चीज उसको यूनिक बनाती है वो उसके कैरेक्टर है बट प्यार की सदगे में आप कैरेक्टर्स के साथ

बिलाल अबास हैं आपके पास यमुना है आपके पास, पास अतीका ओडो का हाँ। अपना करेक्टर कितना इंटरेस्टिंग था वो ड्रामा देखते थे बट इन सो मच आपके पास बस बिलाल बिलाल है और आपके पास एक है जिसमें दुनिया है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं आप पकड़ लिया आपने न पकड़ लिया इस ड्रामे कैसे करके हाँ so so हाँ मेरा सिर्फ ये ईश्वर

इंटरेस्टिंग नहीं है ना हाँ, इंटरेस्टिंग अटैचमेंट नहीं।, हाँ, हाँ, नहीं है हाँ, मुझे आ, प्यार के सदके में सिरा का छोटू सा कर करेक्टर है हाँ। वो उससे प्यार है हाँ। पुपो थी जो थी प, उसमें सलमा हाँ। उस दिन कहीं हम जा रहे हाँ। थे सलमा जफर सलमा हसन मुझे सलमा हसन मुझे बैठे बैठे याद आ गया कि खामोशी भी चाहिए होती है अब वो माँ का करेक्टर भी इतना फनी मतलब लाइक उसमें भी अटैचमेंट वाला था इधर हमें बहुत सारे ना करैक्टर्स नहीं मिल रहे तो आप पे ना आप सलमान हसन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप नूर हुसैन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप उमैरा ना के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो इवन वो आपका वो फनी करैक्टर भी जो आता है आप उससे भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हाँ ये है ये है ये है ये है आपके पास सिर्फ बिलाल बिलाल है और मुझे और उनके। मैं कहूंगा ये बात कि बिलाल के कंधे पे ही है ना हमारी हिरो, अचंबा दिखाया क्योंकि वो जो अचंबे उसने कैसे तेरी खुदगर्जी में दिखा दी है ना तो ये अब इसकी अंडर परफॉर्मेंस लगती है जैसे आपकी मर्जी सॉरी मैंने कहा कैसी तेरी खुदकर्जी जैसे आपकी मर्जी जैसे आपकी मर्जी <laughs> जी तो वो हाँ। हमारे लिए थोड़ा सा हाँ। अंडरवेलमिंग लगता है मुझे एक बात याद आई तो तुमने एक नामे का मजाक भी उड़ाया हुआ है जैसे आपकी मर्जी हाँ। कैसे नहीं भी आया था हाँ। क्या हमने मीनिंगफुल में, में बात की थी

घटिया, दर्स दकवास दचा ड्रामा ऑफ दिस इंटायर सेंचुरी इस बाईस कदम सो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता कि ये हम कहां पहुंच गए हैं। हमने अपनी जिंदगी के बाईस 23 हफ्ते ज़ाया किए हैं इसके ऊपर बाइस तेईस हफ्ते कि किसके लिए कैंट पे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो जो है वो, वो मतलब वो, हमने कुछ, हम कुछ सिटकॉम देख रहे हैं हमें आपको खुद ही नहीं पता आपके ड्रामे भी कंफ्यूज है बेचारा वह हाज मुझे उसके लिए दुख हुआ है जो आखिरी सीन था वट वॉज देट वो था क्या वो वो हाँ, शायद शायद आज जिंदगी हाँ, में खुद भी देखना हाँ, पसंद हाँ, ना करे हाँ, कि ये मैंने क्या किया है ऐसे ऐसे आपने हमारे अच्छे अच्छे एक्टर से ऑस्कर निकलवाए हैं मतलब है? वहाज की तो क्वालिटी ही हाँ, अच्छी एक्टिंग हाँ, थी हाँ, उनका लेवल ही नहीं है। मेरे लिए हाँ, मेरे लिए वहाज की क्वालिटी हाँ, वॉज अच्छी एक्टिंग ये उनका लेवल ही नहीं है यार वॉज मी इज इज ऑब्वियसली अभी तो मरती ना उसकी शक्ल पे, हाँ। लेकिन हमने हर करेक्टर को पूरा नहीं बनाया आज तक हाँ, ये इसने इस आप लास्ट वीक मतलब इस हफ्ते के एपिसोड पिछले था। भी। पिछले भी। इसने है हरीम फारूक के हमारे ड्रामो को क्रिटिक करने वाले खुद कौन है फिर आप मुझे बताएं आप एज एन एक्टर किस चीज के लिए अकाउंटेबल है फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कहां है

आपने कौन कौन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर आपने इस ड्रामे के ऊपर कहा कि हाँ ये डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है ये बड़ा कामयाब है ना आप ही आपसे आप तो आप आप कहानी बताना चाहता हूँ एक मूवी थी उसमें अच्छा अभी मुझे याद नहीं अभी मुझसे ना पूछना उसमें ना जब मैंने एक बार देखी दोस्तों की मुझे भी याद हो गया कि इस करेक्टर को इस वाले खिलाड़ी को ये कहते हैं मतलब ये उन्होंने हाँ, तीन चार खिलाड़ियों के नाम लिए हाँ, थे ना हाँ, ये कोई फॉरवर्ड हाँ, है हाँ, ये कुछ याद है आपको हाँ, आपको याद जरूर होगा बताया था वहां तक जब आप वो देख रहे थे तो आपको ना भी इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स हाँ, में तो आपको एक नॉलेज जरूर हाँ, मिल जाती थी बिल्कुल हाँ, हाँ, ऐसे है कि इसमें ये ये भी होता है इसमें इस तरह से बॉल करते हैं जब ये इस तरह से गोल हो जाए तो छह एक्सर करने पड़ते हैं मतलब लाइक जो भी है जो भी है ना आप इस तरह की भी भी नहीं नहीं कर कर पाए पाए आप ये इसमें भी नाकाम साबित हुए आप कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें जो कि मतलब या आपका ह्यूमर जो है वो भी ऐसा नहीं है कि जो क्रिकेट के उम्र से हो नहीं मैच करता ना नहीं मैच करता वो माँ सही है, निदा बाप को, कि अपनी बेटियों को है तुम लोग लो शादी लो लो... आपने इतना हवा बनाया हाँ। कि जो शादी हो रही है अंबर की हाँ। ये बंदे कुछ अजीब होंगे फलाने वो क्या 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 सही वो उन लोगों के मुंह के सामने उठ के आ रही हैं हाथ में कप पकड़े हुए तो वो क्या करेंगे वो क्या ही कहेंगे। या तो आप एक पॉजिटिव इमेज पॉजिटिव तरीके से दिखाओ हाँ, ना हाँ अगर हाँ, आपने ये थिंकिंग हाँ, चेंज हाँ, हाँ, करनी हाँ, है क्रिकेट हाँ, से रिलेटेड हाँ, तो कोई नया वो लिख हो हाँ, हाँ, ना लॉलीपॉप हाँ मतलब आप उसको उस तरह से स्टेब्लिश करवाओ कि उनको किसी तरह पता चल गया और अब ये बेटी जो है वो कन्विंस कर रही है कि भाई स्पोर्ट्स मैन होना कोई बुरी बात नहीं है लड़कियों का स्पोर्ट्स खेलना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन आपने तो इस चीज़ को आपनेब्लिश कर दिया कि जो लड़की स्पोर्ट्स करती है वो फिर गलत है फिर उसकी शादी नहीं होती ये तो आप नेगेटिव इमेज दे रहे हैं ना अपनी ही नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं अपने ही ड्रामे की कि एक लड़की जो करती है उसकी शादी नहीं होती तो वो गलत है आपने अपने ड्रामे की नेगेटिव मार्केटिंग मार्केटिंग कर दी तो फिर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ भाई मैं तो बहुत डिसअॉइंट हूँ इस ड्रामे से आपने अपनी अपनी ही मैंने, लेकिन मैंने कहा कर रहे हैं इतने हफ्तों से तो भी भी अजा की वजह से देखा है लेकिन आप हमारे इम्तान लिए जा रहे हो यार ऐसे एक और ड्रामा भी था जो हम देखते देखे देखे जा रहे थे उसको ऐसे गोटे गिटे चले गए ऐसी उस गांव में लेकिन तो इधर भी हमारा वही है गोटे गिटे चले हाँ, हुए लेकिन देखते रहे चलें चले कोई हां चलो मूविंग ऑन टू तुम्हारे हुसैन के नाम हां जी बड़ा मजा आया यार मुझे एक दो बातें अच्छी अच्छी करनी है मेरे मेरे दिल में फंसी हुई है वेरी नोवेल टर्म है ना आपने 90s दिखाया आपको नहीं दिखाना है लेकिन जो आप करंट दिखा हाँ। रहे हैं न, वो आप पोर्ट है इतने, हाँ, 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 हाँ। इतने लाइक आजकल के जमाने के जमाने के आजकल के जमाने के परफेक्ट परफेक्ट लाइक इतने मतलब ये चाहिए वही ना हमें ग्रेन से ना थोड़ी थोड़ी चीजें मिल रही है जिनमें तुम्हारे हुसैन हाँ, के नाम में बिलखसूस हाँ, हाँ, जो आपने करंट हाँ, करैक्टर्स दिखाए हैं एंड स्पेशली हाँ, महासन एंड हारिस वहीद हाँ, उसको लिखने पे भी आपकी दात है और उसको परफॉर्म करने में भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे

अब बड़ा एक हाँ, और हाँ, एक, बड़ी एक एक बड़ी एक, एक, हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, 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 आ रहा है ये बीच में ओवर हो के तो वो अपना बर्बाद कर लेती है हाईलाइट ऑफ लाइक वीक वाज वो जो सबा कमर की और इमरान अब्बास की आपस में नोकझोंक होती है जब वो दुल्हन बाग नए जमाने के नए मसले

कुछ ना देके हाँ। भी इस ड्रामे में बहुत मजा बच्चों रहा है। ने लिक भी, भी हुक कर लिया और बुढ़े होके बड़ों ने भी हुक कर लिया हा, हा, हा। तो वो एक बड़ी प्यारी सभा कमर इज डूइंग सो कमर हसीन कितनी लग रही थी सबा कमर शुड डू सच करैक्टर हसीन लग रही जिसमें ना लाइक अच्छा मैंने ना एक बकवास कर रही करें सबा कमर ऐसे कैरेक्टर करें जिसमें उनके करैक्टर के डायलॉग ना हो अच्छा कमली में नहीं थे इतने वो एक्सप्रेशन की गेम बड़ी प्यारी उनकी उनसे बेहतर हाँ। चुप करके हाँ। कोई मैसेज देना हो ना हाँ। और वो कोई नहीं दे सकता नहीं दे सकता इस पे मैं बात जरूरी कहना चाहूँगा इधर एक गाना है हाँ। जीवन दान हाँ अच्छा मैंने नहीं देखा होगा देखा ही होगा तुमने देखा है कौन सा है उसने कहना मैंने वीडियो <laughs> <laughs> अच्छा खैर कोई भी वो जीवन दान एक गाना है हाँ। कौन करेक्टर उसका हीरो सिंगर कौन है दर, हाँ। उसका थैंक यू <laughs> उसकी वीडियो देखना उसमें हाँ। भी उसके कोई एक्सप्रेशन मजे के हैं सभा कमर के एक्सप्रेशन <coughs> उनकी डायलॉग डिलीवरी से ज्यादा बड़े हैं। ओके ओके तो so, ऐसी जगह जहाँ पे ये होना तो मुझे देखते सभा कमर फिर वहाँ पे सबको बहुत दूरी टक्कर देती हैं ठीक है ठीक है चलें।

Uh, अच्छा कुछ ना uh, बेचारा ना क्या कहेंगे उसे कंफ्यूजन का शिकार है हमें हमें कुछ समझ नहीं लग रही हमें भी नहीं लग रही और उधर भी समझ, को नहीं, को भी लग समझ नहीं, नहीं लग रही नहीं लग रही है ये ना uh, अपना वहाज की पॉपुलैरिटी और

<laughs> इसकी राइटर का क्या नाम है सेहत के, <laughs> तो <laughs> के लिए बहुत हानिकारक है पोर्टफोलियो ये क्रिएटर्स को चाहिए मेकर्स को चाहिए और हमें ऑडियंस चाहिए कि हम जंजील के उठा के पिछले सात आठ ड्रामे क्या आपने क्या दिया है सारे बर्बाद है सारे बर्बाद और जो आपके अच्छे थे उनमें भी आपके अंदर वो कमिया थी लेकिन वो हमारे लिए एक नई चीज थी तो हमने कहा कि ठीक है हम इसको इंप्रेस कर लेते हाँ, हैं हाँ। बलाद भी देख रहे लेंगे हाँ, 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 हाँ। तो बला चीख प्यार के सबके हाँ। एक्टर पर आगे राइटर पीछे राइटर पीछे अब यहाँ पे आप खेल नहीं पा रही हैं क्योंकि डायरेक्टर भी पीछे है यहाँ पे एक्टर भी पीछे है यहाँ पे सारे पीछे है

और अब तो खैर हमारी भी जॉब होगी हो मुझे एक चीज है भी थोड़ी सी दिखाई नहीं तो हमें लगता है ना दो शहर है एक रांची एक हैदराबाद है। 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 वो हैदराबाद ही उठे <laughs> जाते हैं शुक्र है कुछ सखर भी गया है तो ये मुझे परेशान हो गए तारीफ की तो ठीक है ना <laughs> लेकिन चलो कोई हाँ, नहीं यार कब इस ड्रामे में और हम क्या निकालें मुझे आप बताओ ठीक है कुछ नहीं निकल सकता मुबशरा जो आ... उसमें यार मुझे आयशा खान को ना स्क्रीन पे देख के दुख होता है हां कि मैडम जाया तुमने, हो रही हैं तुमने इतनी मेहनत की इस कैरेक्टर के लिए लानत जाया हो रही हैं जी जाया, है। जाया हो रही उस मेहनत पे लानत है उस मेहनत पे लानत है मेहनत मतलब वो गधे वाली मेहनत होगी यार वो जब कमरे में जाके उनके जो डायलॉग्स आते हैं तो आपको तब लगता है कि ये है या ये क्या है ये, ये डायलॉग्स में आप कनेक्ट नहीं करते बोल के रही है मुझे मुझसे यकीन करो मुझसे पूछ लो बातों बातों में हम बातें करेंगे तो मुझे याद हुँ. होगा कि हम ड्रामे में किस्त में क्या हुआ वरना मेरी इतनी बुरी मेमोरी भी नहीं है।, आ, नहीं है लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैं किसी सीन को अब देखो ना वो माँ बाप बनने वाले हैं जी कश्माला और रयान ठीक है ऑस्कर एंट्री दी है वैसे उन्होंने <laughs> वो तो ऑस्कर एंट्री दिया है। वो तो हमेशा देते हाँ। हैं ठीक है हाँ। नॉमिनी के लिए तो वो हमेशा कहते हैं कि वी आर हियर बट सॉरी टू से वो उधर आके मुबशरा का जो भी था वो स्टांस जायज था भाई मुझे नहीं है वो गलत लगती है तो ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती हाँ, है कि जब हम कहते हैं कि हाँ, था है था है था है था तो हमारी सारी जो एक हजार बारह सौ अभी हमारे यहाँ छोटे चलो हजार कम नहीं होते एक घर में इकट्ठे करो तो बहुत लोग हो जाते हैं मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ ठीक है जो एग्री है करते हैं हजार लोग देख रहे हैं ना है तो इट हाँ, रहे हैं हाँ, तो हम गलत नहीं, नहीं, कह, रहे, नहीं हाँ, कह रहे नहीं कह रहे नहीं कह रहे हाँ। so, मुझे तो बड़ा पीर ज्यादा ने भी कोशिश की मैं प्यो मजरा मैं अपनी तीन चील करने की कोशिश करा उसकी किस्मत ही खराब है किस्मत नसीब फूटे हुए है जहाँ वो गई शॉपिंग करने वहीं पे जायद था जी तो ये मुझे दुख हुआ कि मुबशरा नहीं वो so, तो हमारी ड्रामों की दुनिया छोटी होती है <laughs> ये आपका ही डायलॉग है हमारे ड्रामो की दुनिया बहुत छोटी लेकिन <laughs> मैं ये कह रहा हूँ कि बेचारी थोड़ा चिल करने निकली थी उसको तो से चिल करने वहां क्या लेने गया है yeah, yeah. के पास तो जॉब भी नहीं है जे फूटी कोड़ी नहीं है मैं जैद आसिफ नहीं हूँ तो तो लेने गया है ठीक है तो वो मुझे थोड़ा सा लगा बाकी दफा को नहीं उसकी नौकरी अच्छी होगी किसके पास तो अभी उसको सैलरी मिल गई होगी आपको लगता है उन्होंने एडवांस में दे दी होगी उन्होंने क्रेडिट कार्ड दे दिया होगा यूज़ करो जा बेटा जीले अपनी जिंदगी सिमरन वो किस दोस्त दोस्त ने दे दी होंगे चले चले दफा करें फलाने पे से दोस्त पे दे देते थे, थे। <laughs> नहीं नहीं ड्रामे पे दे चले आगे मूविंग ऑन टू मनत मुराद <laughs> जी मोहन मनत मुराद आई डोंट लाइक इट आप क्या कर रहे हैं सॉरी टू से ये ड्रामे वाले मनत मुराद वाले uh... ये मुझे एक बात चले माँ की समझ लगती है ने तो हाँ। समझ लगती हाँ। है कि माए ऐसी चुड़ेले हो जाती होती है ये भाई वाला मुझे समझ नहीं आया कौन सा भाई उसका भाई जो भाई को मुराद से एक इनसिक्योरिटी है।, हाँ। तो है बड़े भैया तो वो था कसम है बड़े भैया कसम तो वही है आई एम सॉरी टू से बड़े भैया गे लगे मुझे <laughs> अच्छा अबे तो वो क्यों कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़े भैया मुझे फिर गे ही लगे नहीं, कि मतलब, मतलब वो इस तरह से उससे नाराज हुआ जैसे वो उसकी कुछ शोकन हो कटी जाती तो बेहतर मतलब जाती जाती तो लगी जाती तो तो वो कोई कोई गोली वाला सीन बेहतर होता मी भाई मुझे तो आप अपनी बेटी अगर आपने उसे बेटी बनाई हुई है बहन आप उसको अपने माओ का नेचुरल हाँ। समझ आता हाँ। है क्योंकि बच्चे आपके कंट्रोल में होते हैं आपको आपके बच्चे आपके हाथों से जाते थे मतलब तो बेटी का भाई बने हुए और मुंह मतलब मुंह बोले तो नहीं कहेंगे बाप टाइप आपकी कि एवेंचुअली शी इज योर सिस्टर सिस्टर और अगर आपने उसको बेटी बनाया हुआ है ही इज योर दमाद तो दमादों से ऐसे जेलेस होते हैं मुझे तो सबसे ज्यादा मसला ये है मुझे तो नहीं मुझे इनसे मसला है जिन्होंने ये करेक्टर किया है जिन्होंने ये साइन किया है आप इतनी प्यारी प्यारी बातें बैठ के करते हो टीवी पे इंटरव्यूज में इंटरव्यूज में, में इतनी रिस्पेक्टफुल अदबी बातें करते हो आपको जब ये करेक्टर दिया कि आपने अपने बहनोई से जैलेस होना है आप होना होना है है इनसिक्योर इनसिक्योर जैलेस नहीं कहूंगे इनसिक्योर इनसिक्योर ये मानने वाली बात है

<laughs> उसमें आओ ना जरा मुझे बताओ वो वो क्यों इतनी वो तो इतनी तो बड़ी प्रो मुराद थी और वो मुराद की बेस्ट फ्रेंड थी जी। और बेस्ट इतनी ये भी फिर वो ही है, जो उसके, को उससे है। जी। जो उसके साले को अपने बहनोई से है नूरा संघ के करेक्टर को तो वो भी इनसिक्योर है फिर जी ये बड़ा मसला है भाई हम गंदी बात भी नहीं कर सकते फिर लाइक हाँ हम लोग यहाँ तक आके आगे की इस तरह की माँ को फिर चाहिए कि बच्चे को सारी जिंदगी अपने साथ ही सुनाए हाँ, अब बहन के साथ हो रही ना हम ये हाँ, सकते कितनी गलत बात है जी इतने रिश्तों को आपने पमाल किया हुआ इस में वजह वजह और अपनी तरफ से कॉमेडी रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं या आप आपको खुद आप, आप नहीं मुझे थोड़े से थोड़ी सी देर बैठ के ये जो हमने दो बातें किया ना एक आपने उस बहन की की है और मैंने उस भाई की की है आप एज व्यूअर बैठ के सोचे की ये हम क्या देख रहे हैं क्या देख रहे हैं हम क्या स्टेब्लिश करवाना चाह रहे हैं मतलब ये ऐसे होता हाँ। भी है कि नहीं ये जो हमें फनी लग रहा है क्या ये फनी हमें लगना चाहिए नहीं। कि नहीं और ये क्या इम्पैक्ट देगा हाँ। हमारे लोगों के ऊपर ठीक हाँ। है तो so उस हिसाब से आजकल मैं इस चीज पे बहुत सोच रहा हूँ हमारे ड्रामे हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं क्या और ये हमारी डालते सोचना बहुत जरूरी है

ये नहीं कर ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा आपको और साइमा चौधरी के हिट होने में बहुत हाँ, बड़े रीजन ये थी कि वो इट वॉज वेरी न्यू एट न्यूट खैर अभी भी देखो तो हाँ, आपको इंटरेस्ट हाँ, आपको वो पकड़ लेता है लेकिन उसके आसपास जिसको कॉम्प्लीमेंट करते थे ना वो उनकी कास्ट उनकी हाँ, स्टोरी हाँ, उनका डायरेक्टर उसकी अप्रोच हाँ, हाँ, लेकिन इधर आप कहेंगे कि इर्जा गजर को रख लिया भी वो नहीं है ना योनरा भी वो नहीं है

वो भी जेलस हो गई वो भी।, भी पागल हो गई है वो ताने मार रही है किचन गंदा कर दिया नहीं नहीं घर में तो। जिसका हस्बैंड है अच्छा, अली सफीना देखो नाम नुदरत इतरत कुदरत इतरत की बात हो, <laughs> अच्छा, अच्छा, <laughs> हो रही है चुप करो उसे एक लाइन यार आप इतरत की बात हो रही है अच्छा ठीक है हाँ इतरत की इतरत वो जो अच्छे घर में रहती है समझ आ गई मुझे हाँ जिसके फहा की अम्मी वाली ठीक हाँ, हाँ, हाँ. है अब फहा की अम्मी की भी बातें सुन लो वो कहती है तुम मेरे साथ चलो इस्लामाबाद <laughs> तो वो उसकी ख्वाहिश होगी ना हम <laughs> ह्यूमंस को रोक तो नहीं सकते किसी ख्वाहिश को रखने से कहती मैं भी तो यहाँ पे बैठ के दूसरे शहर में तीन तीन शहरों के प्रोजेक्ट्स को लेके चलती हूँ तो तुम भी चल जाना तीन हफ्ते मेरे पास रहना एक हफ्ते इधर आ जाना धीरे धीरे <laughs> दस्ती है हम तो बड़ी गंदी बातें कर रहे हैं मिल सकता है। नहीं इट्स ओके okay, मिल जाए कोई मसला नहीं अच्छा एक और बात आएगी इधर हमने सारे कर लिए हाँ, 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 है ना आई थिंक जो बेहतर है अच्छा एक चीज एक चीज हाँ, सारी हाँ, इकरा अजीज के इस दो एपिसोड में हाँ। थोड़े से रंग नजर आए हैं ये मानते हो कि नहीं हाँ। ये है ये है इकरा जरा खुल के आई है इस दफा हाँ। हाँ। फाइनली फाइनली हाँ, वो हाँ। जो एक हमें हाँ। पहले एपिसोड हाँ, से के चाहिए के इनको क्यों लिया हाँ। तो वो अब पता लग रहा है कि इनको इसलिए लिया हां लेकिन अभी ये और चाहिए दिस इज दिस इज 10% ऑफ इकरा बाय द वे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वो जो इकरा अजीज एक्टिंग है ओके वो नहीं है वो नहीं वो 10% है अभी मुझे इन दो एपिसोड आगे पता नहीं कब आएगी आई डोंट नो

जो भी है 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 दो 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 नंबर 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 कुछ 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 नहीं 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 होता 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 तीन एक एक यार seriously, ये हैलिटी ट्रेट हम अपनी अपनी बहनों में देखना चाहेंगे मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन जो है वो एक लड़की से छुप छुप के मिलती है ठीक है और झूठ बोलती है और जिंदगी में बड़े वो ऊंची उड़ने की उड़ान रखती है उसको आप अच्छा दिखा रहे हो एक चीज मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा हमें कहते कि हमारे, आ, 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 जो लड़कियां छुप छुप के मिलती हैं बट उधर आपके भाई हाँ। उतने हाँ, नहीं होते हमारी जो हीरोइन है उसका भाई उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन बेचारे ने कॉल की दुबई से मेरी शहजादी मेरी प्यारी मेरी गुड़िया मेरी कैसी है मेरा दिल के पेड़ मारा मैं तू कर दी की पई है उसे फिर छुप के मिली है जाके डिजाइनर के पास वो जो जो उसकी दूसरी बीवी है ना डिजाइनर चलाती है उधर से उसने महंगा ड्रेस लेके दिया इसको तो फिर तुम गोल्डी कर भाई ये तो लड़की गोल्डी कर हीरे की अंगूठी पहन के, के बैठ गई है गोल्डीगर लड़कियों वाली हरकतें हैं सारी माँ ने कहा कि तुमने क्यों हीरे की अंगूठी लेके अपनी दोस्त से पहननी है इतनी महंगी तुम उसको दे सकती हो उस तरह की वापस अगर तुम तुम्हें उसको गिफ्ट देना पड़ जाए ठीक है तो कहती मैं जिंदगी में ख्वाहिशे ना रखूं ना रखूं इसका इंपैक्ट आपने हमारी यंग जनरेशन देखा है जी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमारी को कोई empathy, कोई मोहब्बत नहीं है उस लड़के से मुझे नहीं लगता कि उसको मोहब्बत है से I don't think so, I don't believe so. या फिर वो वो प्ले नहीं अच्छा कर रही है जी. उसकी आंखों में कोई केमिस्ट्री नहीं है उस लड़के के लिए उसकी आंखों में क्या है उसकी आंखों में डिगर गोल्ड है चलो हाँ <laughs> में, 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 तुमको लेकर हाँ। को हॉस्पिटल ले गई को को हाँ हो हो मुझे नहीं पता <laughs> मैं इतना इतना मैं बीची देखूं इस ड्रामे की मेरा माँ मा ने कुछ देख लिया होगा ना बेटी का नहीं नहीं हो गया नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ उधर अजलाल साहब आ गए अपनी ठरकियत और गंदा मेकअप लेके

गिल्ट गिल्ट है। देखना पड़ता जी है। प्लीज देखिए आप अगली मजा आएगा आपको बड़ा गिल्ली प्लेजर मिलेगा आपको जो इनकी बहन है जो ठीक जो, है वो है एक्ट्रेस तो वो वो लड़का भी मरता है हमारी लड़की पे कौन सा लड़का सचल अफजल का जो करैक्टर है देखो अमीर करोड़पति लड़की फैसल की बहन मरती है उस लड़के पे और वो करोड़पति है वो आया आता है नंगी गाड़ी में वो जो गैर छत की गाड़ी होती है नंगी गाड़ी कहते हैं चन्ना वाली स्टोरी याद आ गई लगी हुई है भाई ठीक है <laughs> चले वो आता है वो गाड़ी से उतरता है और सारे कहते हैं और सॉरी टू से हम 1980 वाले बॉलीवुड से बाहर कब निकलेंगे रेहाना बाजी

ठीक है, है। तो चल चल आपने उस तरह से नहीं ना दिखाया उस तरह से अगर इसमें तो जु, जु, तो अच्छा और घर से झूठ बोल के मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ ठीक है और यूनिवर्सिटी वाली से लिखा आ गई कहती है आंटी कितने अच्छा नहीं पता तो ये फड़ी गई कुछ ना

प्रेग्नेंट हो गई है वो जो उनकी दूसरी है, अजलाल की। अच्छा, मैंने कहा वो, गंदी मेरी अपना नाम दे दो मुझे दुनिया में मैं तो तभी निकाह ना पाड़ दिया था जब मैंने तुम्हारे साथ निका पढ़ाया था तुम कौन हो तुम्हें कोई नहीं जानता मैं खानदानी औरत से बच्चा पैदा करूंगा उधर वो जो खानदानी औरत है ठीक है खानदानी औरत को नुकरानी कहती है कि यहाँ साहब में ही ना कोई मसला हो तो साहब <laughs> सुन लेता है साहब उसको कहता है कि इसको सारी ज़िंदगी तय में बंद कर दो इसको सूरज की रोशनी ना नसीब हो उसको भी सजा देगी दी को हम आ, उस जमाने का ड्रामा <laughs> देख रहे हैं ना मैं वही कह रहा हूँ ना बाबे <laughs> आदम की <के laughs> वही ना वो वेरी. कि इसको तय में डाल दो बॉलीवुडिश नाइनटीज बॉलीवुडिश तो ये चल रहा है चले। में। बस हाँ चलो बहुत ही बुरा जुल्म है भाई हाँ, चलो जिंदो मूविंग ऑन टू जिंदो जी मून बोले सकी बखश दे ओ सानू बखश बखश दे ओ नहीं कहो बोले सकी बखश सकी हाँ।, हाँ अब तो हमाद भी नहीं देख रहे मुझे लगता है हाँ हमाद बेचारा सिर्फ वर्किंग वुमेन देख रहा है अच्छा अच्छा हमाद आजकल काफी बिजी है दो जॉब्स कर रहा है शायद जी

मैं गलत बात हाँ। मुझे चिमनी बहुत <laughs> तो ही हॉर्नी स्टाइल में जिस तरह से देखते है ना गोल को तो मुझे लगता है कि हाँ। कोई अडल्ट फिल्म शुरू होने वाली है बस अभी दो सेकेंड और चिमनी के दरमियान हाँ। तो माँ बाप बेचारी माँ बैठी हुई क्या करेगी वो बैठ देखेगी वो यही कैटेगरी पेश करेगी नो बट सॉरी हम ये देखो हम क्या डिस्कस करने हैं इस ड्रामे में है ही नहीं सब्सटेंस ही नहीं है अब दाद सही आ गया सुलह करने और तो पहले दाद सही तो काम मरा हुआ था लेकिन दाद सही को किस चीज से मजबूर किया सुलह <laughs> करने का ये बताओ मोटिवेशन फैक्टर नहीं दिखा है, है वैसे मोटिवेशन फैक्टर पीछे दिखा के हाँ, हमें नहीं लगा इंटरेस्ट नहीं है ना क्या था पुलिस के साथ जो मसले शुरू हुए सो दैट वो उसने भी उसने कहा इन सबको अपने अब कजली कर... कर... ने कर लिया ना खुदकुशी हाँ तो वो चाह रहे हैं कि इन सबको अपनी हाँ, टीम में करके हाँ, तो हम पुलिस से बचाए पुलिस से हमें फील हुआ नहीं कोई नहीं अब कजली चले गई अब कौन इधर से उधर खबरें पहुंचाएगा ये मुझे टेंशन है अब... कजली ने कजली को कजली का करैक्टर मरा नहीं था कजली ने अपना करैक्टर खुद मरवाया है हाँ।

पोस्ट जिंदो इनमें से किसी एक का इंटरव्यू होना चाहिए हाँ। कि जो बताएं हाँ। कि आपने साइन अप क्यों किया हाँ। था आपने को क्यों बनाया 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 है है पागल फ़ज़ूल में जिंदो का नाम हाँ। चाहिए हाँ। सही बात क्या कर रहे हैं हम जिंदगी में कसम से मैं तो क्या कर एक है

होसत बचपन के यार कैसे हो ओहो नहीं भाई जब इसकी शादी हो रही थी फकीरा की अपनी वाइफ के साथ तब तो ही वाज वेरी हॉर बीना के साथ हां तब तो, तो बीना है? जब आई थी पहली दफा जब उसने दूध पेश किया था ठीक है तब ऐसे लग रहा था कि फकीरा अभी खा जाएगा बीना को अभी ऐसे उसको उसको हाँ इसमें कोई शर्म की बात नहीं है वो दिखाया गया मैंने खुद वो सीन डाला था अपने एपिसोड में भूल गए आप लेकिन

हमारे खस कम पाक चलो खैर चलते हैं फकीरा मर जाएगा अगले एपिसोड में इनशाला सभी मर जाए हसरत के साथ उसकी हो गई है मर ना चपलश तो वो मुझ... तीन कपड़े जो आप कह रहे थे ना वो आ रही है मूविंग ऑन टू वेडिंग वूमेन जी मून आ लव यू मुझे तो लगा इस दफा इस वीक एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी छोटी थी छोटी थी देखने में चीजें नहीं हमें नजर आई ना हमें अंबर का अंबर का ने अपनी वीडियो खुद ही शादिया से शुरू करते हैं नहीं हा, हा, है अंबर पे रहे आप अम्बर वाला मसला हल कर लेते हैं अगर आपका वो हो जाता है कुछ तो लाइक ये तो कोई कॉन्फिडेंस कैसे आता है मुझे नहीं समझ आई बह ला ली लो तो की करेगा कोई हाँ मतलब नहीं नहीं मुझे नहीं समझ मुझे थोड़ा समझा दो क्योंकि लाइक देखो आ, अच्छा आपने एक चीज़ के ऊपर अच्छी चीज़ तो लीग नहीं ना <laughs> उसने असल में ना अपने आप से और अपनी माँ से और अपने सोतेले बाप से बदला लिया है ठीक है अंदर से भी तो वो, वो, वो रिवेंजफुल है ना अवेंचफुल है अवेंच तो उसके अंदर भरा हुआ है

जब वो ठोक लगती है कहती आई अम्मी और फिर अम्मी अम्मी करके रोने लग जाती है वो बहुत अच्छा किया है हाँ। बासी ने I literally loved that पूरा सीन को जो जब भी डाल के फिर रोने लग जाती है और एंड तक जो जाती है टैक्सी में बैठती है सारा कुछ हाँ। uh, फिर वो uh, उसे भी बात होती है अपनी माँ के ऊपर जो आशा है वो भी कहती है, मेरे है, चार, चार है कि मेरे पांच बहन भाई हैं चार चार छोटे हैं मेरी माँ नहीं नहीं पाँच अच्छा, चार छोटे हैं मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है हालांकि मैं सबसे बड़ी हूँ और छोटा भाई बहन को गलती करेगा मेरी माँ उसको मार देगी लेकिन मैं कुछ भी करूँगी तो मुझे कुछ नहीं किएगी इतना वो मदरहुड दिखाई आ, आपने हमें आपने हमें जो है वो हशमत की मदरहुड दिखाई कि वो कितना अपने बच्चों के लिए कलप रही है तड़प रही है रो रही है कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए ये जो भी है उसके साथ मसले मसल हुए वो सारा तो ये एपिसोड में उन्होंने ये दिखाया कि हमारी अंबर को अपनी माँ से इतनी नफरत हो चुकी है अपनी माँ से और अपने बाप से जब वो कहती है कि आपका अपनी माँ के साथ कैसा रिलेशन था वो पूछती है उससे तो वो कहती है मेरी माँ और बाप जो है ना वो दोनों मर मर गए हैं दैट मीन्स कि उसने अपनी माँ को अपने लिए मारने के लिए अपने आप से बदला लिया है कि मैं अपनी वीडियो खुद ही लीक करती हूँ ताकि मुझे बार बार मेरी माँ कॉल करके ये ना बताए कि मैंने ब्लैक मेलर को पैसे दिए मैंने ये किया मैंने वो किया असल में उसने अपनी माँ को अब मारा है ये वाली हरकत करके तो ये एक पूरा एक एक सर्कल था जो इसे पूरी एपिसोड में चला है मदरहुड के हवाले से मुझे जो लगा जो मैंने इससे इंटरप्रेट किया अच्छा मुझे ना ये चीज़ लगती लीक वाली हाँ। आ, मतलब हम कभी भी नहीं हमें हाँ, हाँ, हाँ। जब हम वीडियो बना रहे होते हाँ। मैं हमेशा एक बात <coughs> कर जो चीज पे बन रही है ना हाँ। वो लीक हो सकती है हर तरह से हर तरह से कुछ भी हो सकता है प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें ना करें और ये इसमें मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती ये जो मुझे ये मॉडर्न इस चीज के इतने मैं हूं modern, making, हाँ, मैं मॉडर्न लव मेकिंग लिबरल लिबरल या हाँ, जो भी कह लो मैं हूँ बट ये चीज मैं नहीं एक्सेप्ट हाँ, करता कि आपने अगर कोई अपनी वीडियो बनाई है हाँ, और फिर अगर वो लीक हो गई है हाँ, हाँ, तो आप उस पे ऊपर से कॉन्फिडेंस डिटाइलोजाई सॉरी मेरी जो फंडामेंटल्स है रिगार्डिंग ऑफ लाइफ रिगार्डिंग ऑफ रिगार्डिंग माई लाइक ये जो मेरी जिंदगी गुजारने हाँ, का तरीका है, है उसमें इसकी कोई है, नहीं है, नहीं इसमें हाँ. इसकी कोई आप बैठो आप बगैर तो फिर, फिर आप जो मर्जी करो हाँ, फिर आप ये ना कहो कि हम आपको एज इंसान ट्रीट करें और हम आपकी बात पर यकीन रखें हम आपके साथ दोस्ती कॉन्टिन्यू करें ठीक है मेरे लिए सही है और ये पता लगे मेरी ही कभी लीक हो जाए आप ना बनाए ठीक है

इंटेंसुअल था ए बात बताओ ए बात बताओ जितनी आजकल लीक हो रही हैं वीडियोस अह तुम्हें क्या लगता है छुप के बनी भी होती हैं दोनों को ही पता होता है थी? जिसमें समटाइम्स हाँ. एक बंदा ये भी कहता है मूव फोन बंद कर दो हां <laughs> <laughs> और एक बंदा ये भी कहता है तेरे को तो ते बात डिलीट भी नहीं होनी मीरा के मैं सॉरी लेकिन दैट थिंग है कि ये नहीं चलो ठीक है चलो आप आ जाएं अब नर्स नरस अच्छी थी नरस वाला उसने बड़ा मज़ा की मजा कराया है हाँ। हैं उसने पहले तो कहती नाइट ड्यूटी तो डॉक्टर आरिफी लगाते थे <laughs> वो भी बड़ा उन्होंने डबल मीनिंग था लेकिन ये समझने के लिए समझने वालों के लिए ये उनका आर्टिस्टिक अप्रोच है मुझे बड़ी पसंद आई उनकी नहीं नहीं मैं, अच्छा खैर सोरी पीछे हूँ आप अभी आप है ना, मैं जब तक क्लियर हो के आगे ना अच्छा, आपको भी अंबर से नहीं मैं अभी भी अंबर की पूरी साइकिल को समझ तुम्हारी हाँ। पोर्शन मुझे थोड़ा कुछ समझ नहीं आया कुछ मैं ये कहूंगा नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है आगे जाके किस तरह के दिखाएं बिकॉज ऑब्वियसली वो जो ऑफिस में मतलब वो शर्मिंदा नहीं है वो खौफ ज्यादा है हाँ. एक होता है आपने गलती की आप शर्मिंदा हो बट शी इज नॉट शर्मिंदा होगी ना होगी मैन अभी उसको हाँ. पता नहीं चला नहीं ना ये तो ब्रेकअप के बाद की बात कर रहे हैं आप हाँ मतलब ये इस मतलब सारी जो सारा कुछ किया आपको लगता है कि वो उसको बड़ा प्राउड लेके चल रही है कि हाँ बस ठीक है हो गया तो हो गया हाँ शायद हाँ ठीक है ठीक है हाँ हो सकता है मतलब हाँ। हाँ। वो समझते है कि अच्छा गलती नहीं नहीं है ठीक है होना चाहिए जो के। so ऐसी के लिए हाँ। रिग्रेट होना, होना चाहिए होना चाहिए, होना चाहिए। दूरू, दूरू, दूरू. अभी तक चल रहा है माँ के साथ चप जो कि इस चीज से अलग है और एक चीज चल रही है कि हाय मेरी वीडियो लीक ना हो जाए

और मैंने कहा था कितने प्यारा हीरो है जिसे भी गलतियों को एक्सेप्ट किया आई गेस चलो खैर कोई नहीं, नहीं। अच्छा नरस पे आए ना हां नरस मेरी इस वीक की हाईलाइट हाँ, थी हाँ, हाँ, हाँ। उसने जिस तरह से सारा कैरेक्टर किया हाँ। और मुझे अच्छी बात इधर ना तारीफ करनी है यासरा की हाँ। कि वो जो मर्दों को ना बिठा हाँ, के भी कन्वर्सेशन चल रही है वो भी बहुत वो बड़ी वो बड़ी अच्छी लगती है जी वो आपको वो आपको नहीं लगता कि यहां पे कोई कमी रह गई है आपको लगता है कि बस ये रिक्वायर्ड था हमने क्या करना उस बंदे डॉक्टर आरिफ को देख के हमने क्या कर लेना

उसकी माँ के साथ हुआ है उसको तो ये वो ड्रामा है जहां मैं बात करता हूँ हाँ, कहानी पीछे।, कहानी पीछे है। कहानी कहानी पीछे और करेक्टर कहानी को लेके चलते हैं हाँ. जैसे आज की पूरी ड्राइव सादिया लेके चली है मदरहुड की उसको सादिया ने स्टार्ट किया उसको अंबर ने खत्म किया ठीक है यार सादिया की आपने वो सीन की क्यों तारीफ की जो भिनोई वही मैं कह उसी पे आने लगा हु ना उसी पे आने लगा कि वो एंड पे है ना उसने कहा तूने चोरी कर लिया मेरी माँ की डंडी झुमकी जो भी किया है सारा कुछ अब नहीं अब नहीं वो कहता मैं अभी भी तेरे से लव करता हूँ देखो कि तो वो कितना बगैर रहता है कि सगी बहन उसकी तेरी बीवी है और तू उसके शीशा दिखाया था मर भी जावाम चले चलो। खत्म हो गया चले जी ये था जी क्यों नहीं नहीं बेस्ट ऑस्कर कमेंट्स बहुत कुछ रहता है अच्छा जी

स्पेशली फिर ठीक है चले मेरी हानी ऐसी नहीं थी ओके माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज नादिया जमील ओके यस मैं चाहती हूं आने वाली है वो आती हाँ, रहेंगी एंड अदनान Adnan... सिद्दीकी सिद्दीकी हां हां दो एडिशन कम से कम बिकने चाहिए बट मेरे ख्याल में मैं इनकी दोनों को चरा मतलब चराग क्या कहते हैं उसे दिखाने हाँ, वाला, हाँ, हाँ, उनकी तारीफ करना, ठीक है, तारीफ वाला नॉमिनेशन में है, वहा फ्रॉम बायस कदम लीजा फ्रॉम बाइस कदम इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में है मै के दो यस कशमाला एंड रान पहा की अम्मी ऑस्कर है

अच्छा <laughs> कोई था, क्या होता आ, होता है है ये कि जिन्होंने बहुत एक्टिंग जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाए ना जिसके ना हमें भी समझ आए लेवल था, लेवल अच्छा चले, जी लव ह्यूमैनिटी कहते हैं हसाम फ्रॉम लाहौर ओके हसाम आई जस्ट टू मीट यू गाइस ठीक है

This show is amazing. The way Maya remembers Ryan, the scene and sisters eating ice cream was one of the best scenes in the TV history. Well, yes. the new team. I'm totally disappointed with the end of Kabli Pulao. There was no chemistry and was high haphazard. आँखें सॉन्ग uh, नहीं आया किसी भी सिचुएशन पे यस yes, लेकिन ड्रामे को इस सॉन्ग से प्रमोट किया गया था पूरे ड्रामे में उन्होंने ये नहीं यूज़ किया hmm. नेहा हाँ कहती हैं ओ माय गॉड मनोज मुराद हिलेरियस हिलेरियस रिव्यू आई कॉन्ट स्टॉप लाफिंग ओके जी थैंक यू अच्छा बट कहती है oh okay, हाँ मून भाई अरसलान भाई यू बोथ आर सो क्यूट थैंक यू सो मच हा <laughs> भेजे लानत पे। <laughs> पे। हम हाँ, पे हमने कहा था ना oh. मून भाई को बहुत गुस्सा आ गया जून के करते हुए बट यू बोथ बेस्ट रिव्यू ऑफ थैंक यू सो मच माई फ्रेंड माई फैमिली कहते हैं आई एम रियली सॉरी आई रेली विद यू विद एंड ऑफ काबली बुला आई एम फ्रॉम पिशा एंड नो माई कल्चर एंड पठान कल्चर वेरी वेल वी डोंट लेट पीपल सिटिंग एट होम दे हैव देयर चॉइसिस एंड ऑल्सो वी कैन सी अ गर्ल

तो वो मार्जिन दिखाया ही नहीं दिखा तो फिर हम कैसे कह लेंगे हाँ। एक दिन बैठे-बैठे हाँ। बारबीना स्टॉल लगा लेगी वो भी हाँ। मर्दान जाके हां हाँ। अकेली वो भी अकेली पहले इसमें तो सब कुछ हाजी साहब हाँ। के साथ किया था तो, तो वो तो ये बात है ठीक है माहीन महीन 6b कहती हाँ लव्ड द एपिसोड मंतू बस रेली वाली मंत जी मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था हां चोर्मिया उमर कहते हैं जस्ट वाज नादिया खान रिव्यू लेट कमेंट कर रहा हूं

Uh, ड्रामे देखने कितने बकवास होते हैं ओवर एक्टिंग ओवर मेकअप ठीक है आपकी राय है हम कुछ नहीं कह सकते <laughs> uh, सुप्रीत कहते हैं करेक्टर्स इट परफेक्टली फैमिली शो फनी एंड रोमांटिक रोमेंटिकलो वॉच इट ओके देखेंगे साथ साथ चल रहा होगा साथ साथ देखते हैं, देखते hmm. रहेंगे अच्छा जी समीहा मोजमा मौजम, कहती हैं प्लीज डू सम समर एंडर्स अबाउट द वर्ल्ड बेस्ट वर्स ड्रामाज एक्टर्स इट इस हम करते हैं हर साल इंशाल्लाह इस साल भी इनशाला मैं तो हमारा हर साल यही है <laughs> <laughs> पिछले साल तो मैं आया हूँ हाँ. ठीक है जी उस्मान खालिद कहते हैं द राइटर ऑफ काबली प्लॉय इज वेल अवेयर ऑफ अफगान कल्चर सो देर इज नो अ सिंगल मिस्टेक डन बाय हिम इन एनी रिगार्ड सी हिज इंटरव्यू इन समथिंग हॉट एंड फिशिया फिशिया वाला मैंने देख लिया था कुछ ज्यादा ही सर से ऊपर गुजर गया हाँ, था मेरे भी ठीक है उस्मान खालिद कहते हैं काबली प्लॉय आफ्टर बारान सेंट्री इज गोइंग हाई शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा बट एवरी रिव्यूवर्स लव अदर अच्छा reviewers मुझे तो एक बात समझ नहीं है अदर रिव्यूर्स की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं हाँ। करें हमारे मुकाबला हाँ। चल रहा है ऐसी बात ही नहीं मुकाबला हाँ। चल, हाँ। चल रहा होता है तो हमारे भी लाख हाँ, 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 है ना वो एवरीवन वन लव डेट मुझे अपनी जिंदगी में आसपास नजर नहीं आए एक चीज हाँ दूसरी चीज ये कि जब पहली एपिसोड थी बारान के आने से पहले तक हर एपिसोड इस ड्रामे की ट्रेंड करती थी यूट्यूब उसके बाद नहीं कर रही थी वन ये भी एक टू थ्री जो चीज मेरी ये कोर्स सुनो

अच्छा जी कहते हैं कलर इस सो गुड मैं भी ढूंढ रही थी ये कलर हाउ इज योर फीलिंग कौन सी डेनिम पहनी अच्छा uh, पर्पल पहना -पर था आपने बड़ा हाँ, so अच्छा, <laughs> <लंड़े> थी। <laughs> <है>, सलमान <laughs> अच्छा, सलमान कहते हैं सलमान कहाँ गए अमेजिंग शुक्रिया लेकिन मुझे नहीं पसंद पिछले साल मैंने पहना था हाँ अच्छा जी शहजीन शहजाद शहजादी फाना कहती हैं सलाम जी, जी आपकी वजह से दाम ड्रामा देख देखा मैंने दो डेज में उफ क्या ड्रामा है बहुत जबरदस्त फिर आपकी दाम रिव्यू वाली वीडियो देखी वेल्डन आगे अब दु, दु, दुराहा का करें नहीं अभी हमारा आएगा जी आजर की आएगी बरात हाँ तो आप देख लें आज़र हाँ, की हाँ। आएगी बारात फिर मंडे को शायद हाँ, हमारा लग जाएगा इन इनशाला ठीक है ये कुछ ज्यादा नहीं कह दिया आपने मंडे को नहीं शायद

इस सीजन से मैच नहीं करता था अच्छा मैंने किया है

उसके बाद आरजू बशरा के लिए वॉच कर रही हूँ जब से वहाज और आयरा को ज्यादा सीन दिए हैं ड्रामा बोरिंग हो रहा है और रेटिंग भी कम आ रही है ड्रामा माशाल्लाह मुबशरा ड्रामे में मुबशरा हाँ ड्रामे में मुबशरा डैड बा, बाबा जैद फादर एक्टिंग जा रहे हैं और सबसे बेस्ट आयजा खान ठीक है ये अखला है ठीक है

को सब... channel वाली, channel वाली. आ, चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल वाले चैनल वाले ठीक है मजीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे और दीजिए इजाजत अल्लाह